लाडवा में पिछले 3 दिन से हो रही तेज बरसात के कारण न केवल नगरपालिका के विकास के दावों की पोल खुल गई है, शहर में चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। लोगों के घरों में व दुकानों की बेसमेंट तक में पानी जाने से नुकसान हो गया है। लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसान अनिल कुमार का कहना है कि उनकी जीरी की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। पिछले 3 दिन से पूरी बरसात हो रही और मैंने जो 20 दिन पहले जीरी लगाई थी उसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मेरी जीरी बिल्कुल डूब गई, पत्ता थोड़ा थोड़ा सा पत्ता चमक रहा है, 1-2 इंची, और इसकी कोई संभावना नहीं है ये दोबारा हो जाएगी ना हो जाएगी। कितने का बहुत ज़्यादा हो गया, कितने का नुकसान हो गया लगभग? ये जी ऐसा लगभग इस पर 10 से 15 हज़ार के बीच इस पर जो लागत आती है वो सारी लागत खत्म हो जाएगी। प्रति एकड़? हाँ प्रति एकड़ जी। कितने एकड़ थी ये? तो जी ये तो यहाँ से तो है इस ट्यूबवेल पर तो है जी 3 एकड़, बाकी कुछ आ गया जी वो। कितना नुकसान हो गया आपका इस बरसात के कारण? मेरा सारा नुकसान हो गया जी। कितने किले? सारी फसल डूब गई है पानी में। कितने किले लगाए थे जीरी के? 6 किले पानी जीरी के लगाए थे जी। पानी कितना हो गया खेत के अंदर? पानी तो 5-6 फुट के करीब पानी हो गया खेतों में। अब क्या वो जीरी दोबारा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं जी, वो खत्म है जी। कितना मतलब 1 एकड़ पे कितना खर्चा आ जाता है जीरी लगाने पे? जीरी पे 15,000 का खर्चा करीब आ जाता है। किसान बलदेव सिंह राठी का कहना है कि भारी बारिश एवं बहुत बड़े क्षेत्र में पानी की निकासी एक तरफा होने के कारण गांव बबदा समेत आसपास के कई गांव में स्थिति गंभीर बन चुकी है। सैकड़ों एकड़ धान की फसल खराब हो गई है, पशुओं का चारा भी खराब हो गया है। उन्होंने प्रभावित किसानों को गिरदावरी कराकर उचित मुआवजे की मांग भी की। ऐसा है जी, ये जो इस बार जो बरसात हुई है ऐतिहासिक बरसात है, और इससे पहले 1989 में बरसात हुई थी लेकिन वो भी इतनी ज़ोरदार नहीं थी। इस बार तो पानी का ही शुमार नहीं है कितना, सैकड़ों की संख्या में फसल के खेत जलमग्न है और फसलें खराब हो गई हैं। और साथ में आप ये कॉलोनी जो देख रहे हैं साथ में, इस कॉलोनी के अंदर यहाँ से पलायन करने को लोग मजबूर हैं। गाँव अबदा की कॉलोनी है, कॉलोनी में पानी भर चुका है और पशुओं का घास के जो कूप वगैरह यहाँ खड़े थे या जो पखवारे में अपना जो भी उन्होंने ईंधन वगैरह का कोई जो इंतजाम किया होता है सारा का सारा खराब हो गया। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग है कि जिस प्रकार पानी की निकासी की व्यवस्था में कई जगह व्यवधान आए हैं, जैसे इंद्री रोड के ऊपर 2-3 पेट्रोल पंप बने हैं, उन्होंने जो सड़क के साइड में जो गहरे खड्ड थे उनको बंद कर दिया, उन खड्डों को खुलवाया जाए ताकि पानी की निकासी तो प्रॉपर हो। यहाँ से पानी इंद्री साइड पहले हमारा चला जाता था लेकिन अब वो इन पेट्रोल पंपों की वजह से वो पानी बिल्कुल रुका हुआ है और ये पानी की निकासी नहीं हो रही है और खेतों के अंदर ही पानी जमा होना शुरू हो गया। अगर और बरसात हुई हालात इससे भी बदतर होंगे और आशंका इस ऐसी है कि ऐतिहासिक रूप से कहीं अगर ऐसी बरसात एक और हो गई तो गांव में भी पानी घुसेगा, जबकि हमारे गांव में कभी, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि कभी बबदा गांव में पानी नहीं घुसा। दूसरी ओर नगरपालिका प्रधान साक्षी खुराना ने कहा कि नगरपालिका की ओर से जहाँ जहाँ पानी रुका है उसे निकालने का दिन रात काम चल रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो अपील करना चाहूँगी कि पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें, क्योंकि पॉलीथीन की वजह से हम लोगों को यही सामना करना पड़ रहा है कि जब भी चैम्बर पे देखा जाता है तो पॉलीथीन के सिवाय कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पॉलीथीन पाए जाते हैं। मैंने खुद मौके पे जाकर रात के 2 बजे तक देखा, क्योंकि मेरे पास दोनों दरोगा नहीं थे। जब मैं मौके पे गई तो मैंने देखा कि ज़्यादा बारिश के कारण ही हमारा रुका है पानी। विकास नगर में कुछ घरों के अंदर पानी चला गया है और उनका काफ़ी नुकसान हो गया है इसी वजह से कि बरसात बहुत आ रही है। कभी इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी बरसात हुई हो। बरसात को तो देखो हम नहीं रोक सकते, धीरे धीरे पानी हर जगह से निकल रहा है। मेरे अधिकारी सुबह से लगे हुए हैं, रात बाकायदा रात से लगे हुए हैं और मैं इस टीम को लेकर पूरे मन से काम कर रही हूँ। कंचन टीवी के लिए लाडवा से नरेश गर्ग की रिपोर्ट।